कि बुद्ध ने सुरा मेर मज्जे पमाद इठाना वीरमणि क्यों कहा? ऐसा क्या कारण था कि उन्होंने सुरा मेर मज्जे पमाद इठाना वीरमणि कहा, यानी कि शराब या जो तरल पदार्थ हैं उन्हें, या जो ठोस ऐसे पदार्थ हैं जो नशीले पदार्थ हैं और उनको, या मद वाले या जो पमाद वाले हैं उनसे अलग रहने की शिक्षा क्यों लेता हूँ, ऐसा क्यों कहा और सबके लिए क्यों बाध्य किया, चाहे वो पुरुष हैं, चाहे नर हैं, नारी हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, और या दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी मनुष्य है, उसके लिए ऐसा क्यों कहा? देखिए, पहली बात तो यह है कि बुद्ध की जो ये पंच सील हैं, जो पांच सील हैं, उनमें ये सील प्रमुख है और इसमें चार चीजें उन्होंने जोड़ी हैं और चारों की चारों नशे से संबंधित हैं, प्रमाद से संबंधित हैं, मद से हैं और सुरा से हैं और उससे संबंधित सामान से हैं। आज के समय में तो ये और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर बुद्ध इसको बोलते तो बोलते सुरा मेर मज्जे हेरोइन ड्रग्स चरस गांजा कॉफी चाय और कोक तंबाकू बीड़ी सिगरेट पान गुटखा इंजेक्शन गोली ड्रग्स सिक्खा पतंग समाधि, यानी वीरमणि सिक्खा पतंग समाधि, तो इतनी बड़ी ये आज की डेट में हो जाती, क्योंकि बुद्ध ने उस समय जो देखा और जिससे वो पाया वही उन्होंने उस समय इसे बोला। मगर मद में और सुरा में लगभग ये सारी चीजें आ जाती हैं, इनको स्पेसिफाइड करने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने क्यों ऐसा कहा? जब बुद्ध ने अपने चारों तरफ देखा तो उस समय सुरा मेर मज्जे पमादिठाना में भारत के लोगों को लत डाल दी गई थी। भारत के लोगों में सुरा मेर मज्जे पमादिठाना यानी जो ये नशीले पदार्थ है, इनकी कोई भी लत यहाँ के भारत के जो काले काले लोग हैं उनमें नहीं पाए जाते थे, यहाँ कोई नहीं करता था। ये सुरा मेर मज्जे सारी चीजें बाहर से आई हैं, ये जहां ये बनती थी वहां से आई हैं, मिडिल ईस्ट के आसपास से आई हैं, खासतौर से यरूशलम में ये चीजें चलती थी और वहां इनका बहुत ज्यादा प्रचलन था। यरूशलम के अंदर जो संत वहां हुए हैं और जो वहां पैगंबर हुए हैं उन्होंने इसका विरोध किया है और उनको वहां से हटाया भी है, और वहां जुआ भी चलता था और वहां पे व्यभिचार भी चलता था, यानी कि पर स्त्री गमन भी चलता था। तो ये वहां की बीमारी भारत में आई और भारत के लोगों को ये लगाई गई, जिससे कि भारत के लोग अपना जो आचार होता है, जो सदाचार होता है, उसका जो बल है, उसका सच्चाई का जो बल है, उसको खो दें, और सच्चाई का बल जो खो देगा वो आसानी से आपकी बात मान लेगा। तो शराब काम कैसे करती है या जो पदार्थ हैं ये कैसे काम करते हैं, ये बुद्ध ने बहुत बारीकी से देखा। उन्होंने ये पाया कि साधना करते वक्त अगर कोई साधना में कोई नशीला पदार्थ ग्रहण करता है तो नशीले पदार्थ, या साधना ना भी करे, नशीले पदार्थ हमेशा उस व्यक्ति की जो सद्बुद्धि होती है, अच्छे बुद्धि होती है, या अच्छा मन होता है, या अच्छा काम करने की जो उसकी इच्छाएं होती हैं उनको दबा देती है, और बुरे काम करने की जो इच्छाएं होती हैं उनको बढ़ा देती है। आप देखिए, अगर आपने नशा करते हैं या आपने आसपास नशा करते हुए देखा होगा, तो दुनिया में जितने क्राइम होते हैं वो शराब या नशीले पदार्थ के बाद ज्यादा होते हैं। आदमी जब तक नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करता वो कोई भी क्राइम नहीं करता, क्योंकि उसे अच्छे और बुरे की समझ होती है और समझ अच्छी वाली उस पर हावी रहती है। आपने भारत की पिक्चरों में या दुनिया की पिक्चरों में देखा होगा कि जब कोई मनुष्य से क्राइम कराया जाता है तो वो शराब पीता है या कोई इंजेक्शन लगाता है या कोई गोली खाता है, और आपने देखा होगा कि बहुत सारी पिक्चरों में, खासतौर से जो मिलिट्री वाली पिक्चर हैं जिनमें सेना भी है, सेना को भी क्या बोलते हैं, खासतौर से अमेरिकन पिक्चर्स की बात कर रहा हूँ, अमेरिकन पिक्चर्स जो आती हैं या जो इंग्लिश पिक्चर्स आती हैं उसमें कई कमांडोज होते हैं जिनको ड्रग्स दी जाती है और लड़ने जाते हैं, वो ड्रग्स का इंजेक्शन लेते हैं फिर वो पावरफुल हो जाते हैं या उनको पिलाया जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा पिक्चरों में पात्रों में बहुत आता है। तो ये बुद्ध ने बहुत बारीकी से जाना और देखा कि नशीले पदार्थ का सेवन करते ही अच्छाई दब जाती है, बुराई बाहर निकल जाती है। अगर किसी देश या किसी घर या किसी मोहल्ले या किसी गली या किसी समारोह में अगर आप नशीले पदार्थ सेवन नहीं करते हैं तो 200% गारंटी है कि वहां कोई झगड़ा नहीं होगा। और अगर आप कोई नशीला पदार्थ वहां सेवन के लिए देते हैं और या प्रमाद के लिए देते हैं तो 200% गारंटी है कि वहां देर सवेर कोई ना कोई झगड़ा होगा। हो सकता है कोई गोली टेढ़ी चला दे कि कोई मर जाए, हो सकता है कोई पुराना बैर हो वो निकल जाए, लात मार दे, हो सकता है वो फंक्शन को कोई खराब करने वाला बंदा हो, शराब पी के उसे मौका मिल जाए और बहाना ये हो जाए कि शराब की तीस नहीं हो गया। तो इस कारण से उन्होंने सुरा मेर मज्जे पमादिठाना और ड्रग्स हेरोइन ड्रग्स ब्राउन शुगर और जितने इंजेक्शन हैं, जितने तम्बाकू हैं, गुटके हैं और जो भी चीज़ हैं उन सब के लिए उनसे व्रत रहने की भगवान बुद्ध ने स्पष्ट नियम बनाया और आदेश दिया। धन्यवाद।